हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वह है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड। सो स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कस जो कर रहे हैं वह हम अपनी लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था CONA में, वो हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी कि लीस्ट स्क्वायर के सिद्धांत। तो आज हम स्टूडेंट इसके बारे में जानेंगे कि ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है किसी भी कर्व की पार्टिकुलर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। सो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे यह फिगर, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे लाइंस के थ्रू एक्स लाइंस, एक्स एक्सिस पर हमारी लाइंस यहाँ पर अपर डायरेक्शन में जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इन लाइंस की हेल्प से यहाँ पर एक कर्व बन रहा है, जिसके कर्व के जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट कर्व को, जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5, दीज आर द पॉइंट्स एट विच द कर्व क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पर हमारा कर्व क्रिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा लीस्ट स्क्वायर का सिद्धांत क्या होता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ अ प्रोसेसर टू फिट अ यूनिक कर्व थ्रू द गिवन पॉइंट्स, यानी कि यह एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम फिट करते हैं यूनिक कर्व को गिवन पॉइंट्स की हेल्प से। ओके स्टूडेंट, गिवन पॉइंट्स की हेल्प से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेशन दे रखी है हमारी, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि इस दिस मे बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी कि यह हमारी इक्वेशन है कर्व की। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट, जैसे कि हमें कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि x1, y1, x2, y2, xn, yn, ठीक है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हुए हैं। अब सपोज कीजिए हमें दे रखा है कि xm पर y की वैल्यू क्या होगी, xm पर y की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम इन पॉइंट्स की हेल्प से तो निकाल नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। वो तो वैल्यू जो है y की, हम इन पॉइंट्स की हेल्प से निकाल नहीं सकते, तो वहाँ पर हमें एक फॉर्मूले की नीड पड़ती है, वहाँ पर हमें एक फॉर्मूले की नीड पड़ती है या किसी एक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है और हमारी थियोरेटिकल वैल्यू क्या होती है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट में एरर पढ़ा था, एरर में क्या था हमारा, ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर हम देखें यहाँ पर भी तो कुछ कुछ हमारा कंसेप्ट यहाँ पर भी सेम रहता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि व्हेन वी डन एनी प्रोसेस, यानी कि जब हम कोई भी वर्क कर रहे होंगे मैथ्स में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। थियोरेटिकल वैल्यू भी होती है स्टूडेंट से एक हमारी, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारी एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वह काफ़ी कम रहता है, यानी कि यहाँ पर हमें स्लाइटली डिफरेंट देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एज वेल एज थियोरेटिकल वैल्यू आर स्लाइटली डिफरेंट, यानी कि इनकी वैल्यूज़ में जो अंतर होगा वह बहुत ही ना के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दे रखा है हमारा E1 और E2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर्स दे रखे हैं, तो इस फिगर्स में P1, P2, P3, P4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कर्व हमारा क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज़ के बीच जो भी डिफरेंस आएगा वह हमारा एरर कहलाएगा, ठीक है। तो उन एरर्स को अब हम फाइंड आउट करके वहाँ पर जो है अपना कर्व को क्रिएट करेंगे। अब आप देख रहे हैं E1, E2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज कीजिए P1 पॉइंट पर E1 एरर है और P2 पॉइंट पर E2 एरर है, तो जाहिर सी बात है एक एरर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है तो दूसरे की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है S=E1² + E2² + …….
ठीक है। यानी कि अब हम देखते हैं कि ये इसका इक्वेशन का क्या मतलब है। द कर्व ऑफ वेस्ट फिट फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स इज मिनिमम इज कॉल्ड प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर। यानी कि हम उस कर्व की बात कर रहे हैं जो कि बेस्ट फिट यानी कि बेस्ट सूटेबल रहता है फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि एरर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए, जो हमारा कर्व के लिए मतलब एरर्स के जो हम स्क्वायर्स का सम करते हैं उस वो इक्वेशन जो आती है वो हमारी बेस्ट फिट यानी कि बेस्ट सूटेबल रहती है कर्व के लिए, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कहते हैं लीस्ट स्क्वायर का। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे सामने ये पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1 x2, y2 xn, yn ठीक है। अब स्टूडेंट देखें आप y बराबर a प्लस bx ये हमारे पास दे रखी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर यानी कि यह है हमारी पैराबोला की इक्वेशन यानी कि परवलय की समीकरण। देन फर्दर इसी तरीके से हमारी और भी इक्वेशन है लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाती है वह लाइन या पैराबोला में से ही पूछी जाती है। तो नेक्स्ट हमारी y इज इक्वल टू ax की पावर b। देन नेक्स्ट हमारी y इज इक्वल टू ae की पावर bx। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट प्लस शिफ्ट ओरिजिन। अब हम बात करें स्टूडेंट इस फिगर की, तो सपोज कीजिए P1 पॉइंट है, वह थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होना चाहता है ओरिजिन की तरफ, तब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करेंगे जिसकी हेल्प से हम इजीली उसको शिफ्ट ओरिजिन की तरफ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है प्रिंसिपल्स में यानी कि मेथड में लीस्ट स्क्वायर के लिए वह हमारा होता है फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले हमें नॉर्मल इक्वेशन को लिखना पड़ता है या बनाना पड़ता है। सॉल्व नॉर्मल इक्वेशन टू गेट कॉन्स्टेंट यानी कि जब हमें नॉर्मल इक्वेशन मिल जाती है, क्या स्टूडेंट्स जब हमें नॉर्मल इक्वेशन मिल जाती है तो हम जो है वहाँ पर कॉन्स्टेंट यानी कि ए और बी की वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमें मिलती है। देन पुट कॉन्स्टेंट इन कर्व इक्वेशन यानी कि जब हमें स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू मिल जाती है तब हम उन ई ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे y इज इक्वल टू a प्लस bx यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब σ इज इक्वल टू ma प्लस b σx ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर हमने y की जगह उसमें हमने सिग्मा लेकर वहाँ पर a के साथ m लिया है, देन b सिग्मा x कर दिया सिंपल, यानी कि इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं लाइन के इक्वेशन को। देन लास्ट में हम क्या कर रहे हैं σxy a εx + b εx² ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है वह हम मेथड होता है हमारा लीस्ट स्क्वायर का। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है न्यूमेरिकल का, उसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारा लीस्ट स्क्वायर जो है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा यानी कि जिसमें जो हमारा ये डेटा है वो हमारा बेस्ट फिट हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है, देखो आप भी देख रहे होगे लाइन के लिए इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन के लिए इक्वेशन दे रखी है यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस bx और फॉलोइंग डेटा दे रखा है हमें 1, 2, 3, 4 एक्स की वैल्यू जो है वह 1, 2, 3, 4, 5 वाई की वैल्यू 14, 27, 40, 55, 68 ठीक है, ये हमारी वाई की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस bx ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन वन। देन σy इज इक्वल टू ma प्लस b σx ठीक है। देन लास्ट इक्वेशन है हमारे स्टूडेंट σxy इज इक्वल टू a εx प्लस
बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम देखें हेयर एम इज इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारी एक्स की लिमिट है या हम लास्ट लिमिट बोल सकते हैं इसको, उसकी वैल्यू हमारी 5 हमने यहाँ पर ले रखी है। अब स्टूडेंट टेबल्स में, टेबल में देखिए आप एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, वाई की वैल्यू हमने एज इट इज जो हमारे दे रखा है क्वेश्चन में वो हमने टेबल में एक उतार दी। उसके बाद स्टूडेंट हमने सिग्मा एक्स के थ्रू क्या करा, एक्स वाले कॉलम का हमने जो है एडिशन लिया, 15 आया हमारा। देन वाई का हमने टोटल एडिशन किया तो हमारा 204 आया। अब एक्स वाई में क्या है स्टूडेंट, एक्स वाई में देखें एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई यानी कि 14 इंटू 1 कितना हो गया एक्स वाई में 14, देन 27 इंटू 2 54, देन 40 इंटू 3 120, देन 55 इंटू 4 220, देन 68 इंटू 5 340। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। अब आप देखें एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। अब एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई। देन एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, देन 9 यहाँ पर आ गया। देन एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, 4 का स्क्वायर 16, देन 16 यहाँ पर आ गया। देन एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हमारा यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम एक्स वाई जो है उसका टोटल लगा के नीचे लिख देंगे, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 748, देन एक्स स्क्वायर में सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब क्या है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, ठीक है, अब सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन 2 में देखें तो सिग्मा वाई इक्वल टू एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब हम पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 204, एम की वैल्यू 5, ठीक है ए निकालना है, देन प्लस बी की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है, यानी कि सिग्मा एक्स की वैल्यू 15, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 15 बी। अब हम क्या है इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम स्टूडेंट अपनी इस दोनों इक्वेशन में ए की वैल्यू को हम सेम बनाएंगे। ए की वैल्यू को सेम बनाने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दोनों क्या होगा 15 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, तो 15a नीचे वाली इक्वेशन में जाएगा माइनस 15a, 15a से 15a कट हो जाएगा, देन हमारी वहाँ पर b की वैल्यू निकल आएगी। फिर b की वैल्यू हमारी जो निकल कर आएगी स्टूडेंट्स हम उसको क्या करेंगे इक्वेशन 3 में रख देंगे, फिर हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी स्टूडेंट वह हमारी क्या आएगी 0, देन b की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी क्या आएगी 13.6, यानी कि इक्वेशन की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि हमें y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 13.6, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।